Hello everyone, welcome to the VR Paper Learning YouTube channel. In this video, we are going to discuss about thermodynamics and its related concepts. So first of all, what is thermodynamics? It is the branch of physics which deals with the heat energy. Means, jitne bhi amount, jo bhi humare paas procedures, jo bhi phenomena heat energy se related hain, ya phir heat energy transfer se related jitne bhi phenomena hain, उस चीज़ की स्टडी को आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स. सो हेयर वी विल डील विद द हीट एनर्जी. राइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम. थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ बाउंड्री और यू कैन कॉल इट अ एरिया इन विच वी हैव अ कलेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स within that boundaries which have some values of the pressure, volume and temperature, then that system is called thermodynamic system. But और next हम यहाँ पे definition consider करेंगे surrounding की. What is surroundings? Anything outside the thermodynamic system is called surroundings, जिसके साथ हम अपने heat और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि किसकी हीट और एनर्जी सिस्टम की. मतलब सिस्टम को हम अगर हमें इसकी एनर्जी या उसके जो कोई भी वॉल्यूम को या मास को हमें उसे शेयर करना है, देन वी कैन शेयर इट विद अवर सराउंडिंग. तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के हमारे पास एक पूरा का पूरा क्या बनता है, सराउंडिंग, सॉरी यूनिवर्स. सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स. So system and surrounding both are the parts of the universe. Now we have some terms here, types of the thermodynamic systems. These are open system, closed system and isolated system. So first of all, what is open system? Open system is a system in which mass and energy both are exchanged with the surrounding. मतलब जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको शो कर रखा है, कोई ऐसा सिस्टम जिसमें ये आपके पास एक सिस्टम है जिसमें हमने एक जो भी ग्लास कंटेनर में आपके पास यहाँ पे कोई भी लिक्विड हमने यहाँ पे कंसीडर करा है, तो उसमें आप अगर इसका सपोज़ यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी है, सपोज़ टेम्परेचर T1 है और जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो T2 है, देन ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, या तो वो सिस्टम टू सराउंडिंग होगी या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में होगी, बट देयर मे बी हीट ट्रांसफ़र इन द ओपन सिस्टम. और साथ के साथ अगर ये ओपन सिस्टम है, हमने इस सिस्टम को ओपन ही रखा है, तो देन हमारा जो मास है वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है विद द सराउंडिंग. मीन्स वी कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी एंड मास विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग में अगर दोनों चीज़ें यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. मास एंड एनर्जी both can be exchanged. Both can be exchanged. So next system is closed system. Closed system एक ऐसा system है जिसमें mass जो है वो आप transfer नहीं कर सकते, ठीक है, but only energy can be exchanged. Energy can be exchanged. और energy कौन सी होगी यहाँ पे, heat energy. हीट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग. मतलब सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर सराउंडिंग से सिस्टम गेन भी कर सकता है. सो दिस इज शोन हियर इन द डायग्राम, क्लोज सिस्टम. इसमें हमने जो अपना सिस्टम रखा है इसको क्लोज रखा है, कोई भी हमारा जो मास है या कोई भी वाटर का जो भी मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट नहीं हो सकते. इट मीन्स जो उसका जो मास है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता विद द सराउंडिंग. बट ये जो वॉल्स होंगी ये कंडक्टिंग होगी. थ्रू द वॉल्स, दीज आर द कंडक्टिंग वॉल्स, तो ये हीट जो है वो अपनी एक्सचेंज करता है विद द सराउंडिंग. तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम. नाउ अब आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो आपके पास हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एक्सचेंज होगी, ना तो आपके पास मास जो है वो
एक्सचेंज होगा विद द सराउंडिंग, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एक कंडीशन होती है कि आपकी जो वॉल्स होनी चाहिए, जो भी आपका कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो सिस्टम का, जो भी बाउंड्रीज होगी वो क्या होनी चाहिए, आइसोलेटेड होनी चाहिए। आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग से उसकी आइसोलेशन होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी उसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे कि दो टाइप की बाउंड्रीज होंगी, एक आपके पास होगी इंसुलेटिंग बाउंड्रीज, एक होगी कंडक्टिंग, ठीक है। तो बाउंड्रीज जैसे हमारे पास हैं दो तरह की, एक इंसुलेटिंग, एक होती है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बाउंड्री में क्या चीज़ हो सकती है, हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, हीट एनर्जी कैन एक्सचेंज, ऑलराइट। बट इंसुलेटिंग वॉल्स में क्या होता है, यू कैन नॉट एक्सचेंज, कैन नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी। मीन्स जहाँ भी हमने बाउंड्रीज इंसुलेटिंग यूज़ करी होंगी तो देन आपका वो जो सिस्टम है वो कंडक्ट नहीं कर सकता विद द सराउंडिंग, बट कंडक्टिंग वॉल्स के साथ आपकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो इसकी एग्जांपल्स वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट सिस्टम है, अगर मान लो सपोज मैंने एक कंटेनर में वाटर है रखा हुआ, उसको मैं जो मान लो सपोज ये हीट इसका ये टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये एक गर्म पानी है, ठीक है, हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो ये अपने जो हीट है वो ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि ये आपके पास कंडक्टिंग वॉल्स जो है वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग वॉल्स में क्या कर सकते हो, हीट को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन रखा है तो वो जैसे पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, तो जो आपके पास इवेपोरेशन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से रिमूव भी हो सकते हैं। जब मॉलिक्यूल्स रिमूव हो सकते हैं मीन्स वो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कंटेन कर रहे हैं, मास ऑफ द लिक्विड। तो नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल कंसीडर करी थी इसकी क्लोज सिस्टम की, इसमें आपके पास हीट और मास दोनों जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, सिर्फ इसमें हीट जो है वो एक्सचेंज होगी क्योंकि जो आपने इसको कवर कर रखा है, क्लोज्ड सिस्टम बना रखा है, ओपन नहीं है ये, तो मास तो इसको इसका जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि कहीं से भी मॉलिक्यूल्स जो है वो वहाँ पे इवेपोरेट नहीं हो सकते। बट जिसकी वॉल्स होंगी वो कंडक्टिंग होगी, दैट मीन्स इट कैन एक्सचेंज द हीट विद द सराउंडिंग, बट ये वॉल्स के थ्रू अपनी हीट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बट नेक्स्ट टाइप इज़ द आइसोलेटेड सिस्टम, उस चीज़ में हमारे पास सिस्टम तो क्लोज्ड ही है बट साथ के साथ हमने इस सिस्टम को क्या रखा है, आइसोलेटेड रखा है। मीन्स जो हमारी वॉल्स हैं वो कौन से टाइप की वॉल्स हैं, इंसुलेटिंग वॉल्स। इंसुलेटिंग वॉल्स कौन सी होती है, जो हीट को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पे जो इंसुलेटिंग वॉल्स है ना तो हीट ट्रांसफ़र करने देगी और हमारा सिस्टम पूरा का पूरा क्लोज्ड है तो वो ना तो मास को ट्रांसफ़र करने देगा। जैसे कि आपने एक थर्मस फ्लास्क में कोई भी जो है वो बॉइल्ड वाटर जो है वो ऐड करा है तो वो क्या होती है, इंसुलेटिंग वॉल्स होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। नाउ नेक्स्ट इज़ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, पहले तो एक भी कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको अगर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और वो वेरिएबल्स आपके पास कौन कौन से होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, और उसकी कुछ भी गिब्स फ्री एनर्जी होगी। आगे से आगे आप थर्मोडायनेमिक्स में और भी वेरिएबल्स यहाँ पे पढ़ोगे। वेरिएबल्स जो है वो काफ़ी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो बेसिकली उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने यहाँ पे, इंटेंसिव वेरिएबल्स एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो उसके साइज और मास पे डिपेंड करते हैं, दीज आर द एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। एक्सटेंसिव एक्स मीन्स जो एक्स मीन्स होता है कि जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिव मीन्स इनसाइड, ठीक है। तो एक्स मीन्स जो उसके डिपेंड्स, दीज आर द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम, साइज एंड द मास ऑफ सिस्टम। तो ऐसे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे आप वेरिएबल्स ले सकते हो। देखो सबसे पहला एग्जांपल तो उससे जो आपको दिखता ही है, दैट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है। उसकी एनर्जी भी उसके साइज पे डिपेंड करती है। तीसरा एंट्रोपी,
तो हीट कैपेसिटी और एंथैल्पी, ठीक है, ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन द साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम. नाउ अनदर टाइप ऑफ द वेरिएबल्स आर विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. तो ऐसे वेरिएबल कौन कौन से होंगे, मतलब उसके साइज पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, मास पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे वो, तो ऐसे कौन से हैं, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल है जो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर हो गया, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी. स्पेसिफिक, जब भी वर्ड आपका स्पेसिफिक ऐड कर दिया ना किसी वेरिएबल के साथ, ठीक है, वैसे जो हीट कैपेसिटी है वो कौन सा वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, मतलब उसके साइज पे डिपेंड करेगा, बट जब उस वर्ड के साथ आपके साथ वहाँ पे क्या लग गया, स्पेसिफिक वर्ड लग गया. स्पेसिफिक मतलब आपने उसका जो मास है वो फिक्स कर दिया. स्पेसिफिक मतलब फॉर वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जब भी हम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो दैट इज इक्वल टू फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब आपने जो सब्सटेंस का मास है या फिर कह सकते हो कि सिस्टम का जो मास है वो आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. तो उस फिक्स मास की कितनी वो हीट कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो दीज आर द वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर टर्म, दैट इज, अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक टर्म एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, दैट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो कोई भी जो, अगर दो सिस्टम है हमारे पास ए एंड बी, आपके पास दो, सॉरी दो सिस्टम है हमारे पास ए एंड बी, एक ए सिस्टम है एक बी सिस्टम है, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे हैं. सपोज ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे है, तो ये टेम्परेचर अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पे होंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट पे होंगे, कॉन्टैक्ट मीन्स कि वो अपने जो मास और सॉरी वो अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और एनर्जी, मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रही हूँ, हीट एनर्जी की. आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन टू बॉडीज में और टू सिस्टम में, देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. और जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपको पता है फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी ही होती है हमेशा, दिस इज़ द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, है ना. तो यहाँ पे होगा क्या, अगर ये T1 पे है ये T2 पे है, सपोज T1 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर T1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2, तो होगा क्या, यहाँ A सिस्टम जो है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देगा टू द B सिस्टम, ठीक है. आपको पता है कि टेम्परेचर कहाँ से कहाँ, सॉरी हीट एनर्जी जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, फ्रॉम A टू B, क्योंकि टेम्परेचर T1 ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T2. तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों के टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाएंगे. सपोज वो एक थर्ड टेम्परेचर T3 अटेन कर लेंगे दोनों के दोनों, ठीक है, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है वो T3 बन गया. दैट मीन्स जब दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल आ गया है, वो कौन सी स्टेट होगी वहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट. तो व्हेन टू बॉडीज are at the same temperature, then these two bodies are in thermal equilibrium with each other. So that was about the thermal equilibrium. Now next move to the zeroth law of thermodynamics. So what is the statement of the zeroth law of statement? If we have a two systems, first of all the statement, two systems A and B are in thermal equilibrium with the third system, or you can call it the separately in the thermal equilibrium with the third system C, are also in the thermal equilibrium with each other. इसका मतलब क्या है कि अगर दो system एक अलग थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं, दैट मींस वो दोनों सिस्टम आपस में भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम पे. तो थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में अभी आपको बता के हटी कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दो सिस्टम जो है वो सेम टेम्परेचर को अटेन कर लेंगे, दैट मींस दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है.
नाउ अब मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपको समझा देती हूँ कि सपोज एक ए सिस्टम है, हमारे पास एक बी सिस्टम है, तो ए और बी सिस्टम एक थर्ड सिस्टम सी के साथ, ठीक है, यहाँ पे ए सिस्टम जो है वो सी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सिस्टम जो है वो सी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मतलब क्या है कि ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है और बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली जो ए का टेम्परेचर होगा वो बी के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यही जो है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई दो सिस्टम एक थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, देन वो दो सिस्टम अपने साथ भी विद ईच अदर भी क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो है वो वैसे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, बाय द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू सिस्टम, ठीक है। ए और सी एक दूसरे के साथ और बी और सी इक्विलिब्रियम के साथ कब आएंगे, जब वहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन ए एंड सी एंड बी एंड सी, ठीक है। तो वो ए, जैसे मान लो इसका ए और सी का टेम्परेचर जो है वो टी वन हो गया, अब सी का टेम्परेचर अगर टी वन है तो ऑब्वियसली बी का भी टी वन होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए और बी का ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो दोनों का क्या रहेगा, टी वन। मीन्स अगर सेम टेम्परेचर होगा दैट मीन्स दे बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ से ही जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही टेम्परेचर की टर्म जो है वो डिड्यूस हुई थी, ठीक है, कि व्हाट इज टेम्परेचर, ठीक है। तो यही टेम्परेचर जो हीट एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, वो किसके कारण आ रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।